आपके बच्चे इतने रात तक घूम रहे हैं, आपको चिंता नहीं है क्या? क्यों नेतागिरी दिखाते हो? देश कानून के हिसाब से चलेगा। कुछ ऐसे ही शब्दों के साथ एक बार फिर वायरल एसपी अभिषेक पल्लव का वीडियो सामने आ रहा है। इस बार उन्हें कवर्धा के पुलिस कप्तान के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले जब वो दुर्ग में एसपी थे, तब अभिषेक पल्लव के इस तरह के वीडियो लगातार सामने आते थे, जहां पर अभिषेक पल्लव लोगों को रुकवा करके उनको नियम का पाठ पढ़ाते थे। अब इसी बीच एक बार फिर अपने एक्शन मोड में अभिषेक पल्लव सामने आ गए हैं। वो लोगों को रोक करके उनको कानून की पाठ पढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको कानून के हिसाब से ही चलना होगा। इस दौरान अगर कोई नेतागिरी दिखा रहा है तो उनको भी नेतागिरी के बदले कानून की पाठ अभिषेक पल्लव पढ़ा रहे हैं। हाल फिलहाल में अभिषेक पल्लव एक और वीडियो सामने आया है, किस तरह से वो कवर्धा के आसपास पुलिसिया कार्रवाई कर रहे हैं, इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। हेलो जनाब, आपके नाबालिग बेटे ओवर स्पीडिंग करते हुए, रैश ड्राइविंग करते हुए गाड़ी चला रहे हैं, और आपने क्या बोला, फाइन नहीं दोगे आप? क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारी जैसे लोगों की जान जा रही है इस देश में। नाबालिग को गाड़ी देते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, दारू पी गाड़ी चलाते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं और गुंडागर्दी करते हैं ऊपर से, और तुम बोलते हो फाइन नहीं पटाओगे। भैया देश में कानून चलता है, कानून का राज है इस देश में, समझे भाई? कानून का राज है इस देश में, फाइन नहीं पटाओगे तुम? क्या हो तुम, क्या नाम तुम्हारा? नाम क्या तुम? लुकराम साहब। क्या काम करते हो तुम? किसानी करते हो? नेतागिरी करते हो? कैसे बोल रहे हो फाइन नहीं पटाओगे तुम? फाइन नहीं पटाऊंगा। क्या बोले बताओ पटाऊंगा। नाबालिग को गाड़ी कैसे दी तुमने? नाबालिग को गाड़ी कैसे दी तुमने? सुरक्षा में लगे हो तुम, पी के जा रहे हो भाई। आप लोग कभी ना रैंडम रात में चेक भी किया करो, ठीक है? तो ऐसे ही हाल होगा। हालांकि अभिषेक पल्लव जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, उसको लेकर के बहुत सारे लोग विरोध दर्ज कराते भी सोशल मीडिया में नजर आते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसी कार्रवाई करना सही नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए या आप ऐसी कार्रवाई से असहमत हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी बातें अवश्य लिखें।